तो दोस्तों ये जो आप सामने बिल्डिंग का गेट देख रहे हो, इस बिल्डिंग का नाम है रेशमा और इसी बिल्डिंग के 7 फ्लोर पर रहते हैं बॉलीवुड के मशहूर एक्टर इमरान हाशमी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शमीम व्लॉग वीडियोस में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ बॉलीवुड के मशहूर एक्टर इमरान हाशमी का घर। जी हाँ दोस्तों, वो कौन सी बिल्डिंग में रहते हैं, उनकी बिल्डिंग का नाम क्या है और वो कौन से फ्लोर पर रहते हैं, आज की वीडियो में मैं सब बताऊंगा। दोस्तों इमरान हाशमी को तो आप सभी जानते होंगे, उन्होंने बॉलीवुड में बहुत सारी सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। दोस्तों उनकी मूवी का अगर मैं आपको नाम बताऊँ तो उनकी मूवी के नाम है हमारी अधूरी कहानी, सेल्फी, मर्डर, मर्डर 2 और अभी हाल फिलहाल में वो दिखने वाले हैं आपको टाइगर 3 में। दोस्तों उनका घर कहाँ पर है, उनके घर का एड्रेस मैं आपको प्रॉपर बताऊँगा और की बायोग्राफी भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को देर ना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट और लेकर चलते हैं आपको इमरान हाशमी के घर के पास। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं इमरान हाशमी सर की बिल्डिंग के पास। ये जो आप मेरे बैकग्राउंड में जो बहुत ही खूबसूरत सी बिल्डिंग देख रहे हो ना, आलिशान सी, इस बिल्डिंग का नाम है दोस्तों रेशमा अपार्टमेंट। जैसा कि आप इनके ये बिल्डिंग का ये मेन एंट्री गेट है और इस बिल्डिंग के जस्ट बाजू में आपको लिखा हुआ मिलेगा रेशमा। इस बिल्डिंग का जो नाम है वो है रेशमा अपार्टमेंट और ये आपको देखने के लिए मिलेगी पाली हिल में दोस्तों। और इसी बिल्डिंग के 7वें फ्लोर पर रहते हैं बॉलीवुड के किसिंग सीन से बहुत ही फेमस एक्टर इमरान हाशमी। तो दोस्तों इनका जो घर का प्रॉपर एड्रेस, उनकी बायोग्राफी आज की वीडियो में सब बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ये जो आप सामने बिल्डिंग का गेट देख रहे हो, इस बिल्डिंग का नाम है रेशमा और ये लगभग 12-13 माला की बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आलीशान बिल्डिंग है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो। और ये इसी बिल्डिंग में रहते हैं बॉलीवुड के मशहूर एक्टर इमरान हाशमी। 7 फ्लोर पर, इस बिल्डिंग के 7 फ्लोर पर रहते हैं इमरान हाशमी और जैसे कि आप देख सकते हो इस बिल्डिंग के हर फ्लोर पर काफ़ी ग्रीनरी लगाई गई है दोस्तों, जिससे इस बिल्डिंग की खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाती है दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हो कितनी ग्रीनरी वहाँ पर लगाई गई है, जिससे इनकी बिल्डिंग की खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाती है दोस्तों। और ये बिल्डिंग बहुत ही खूबसूरत है और ये बिल्डिंग कहाँ पर है वो मैं आपको अभी आगे चलकर वीडियो में बताने वाला हूँ और इनकी बायोग्राफी भी मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। और इनकी बिल्डिंग के जस्ट बराबर में आपको और भी सेलिब्रिटीज़ के घर देखने के लिए मिलेंगे। तो किस किस सेलिब्रिटीज़ के घर इनके घर के पास है वो मैं आपको आगे चलकर बताने वाला हूँ दोस्तों। बात करते हैं एक ऐसे कलाकार की जिन्होंने अपना नाम बनाने के लिए बहुत मेहनत करी है और बॉलीवुड में एक लौता और एक अलग ही स्टार है और उसने ऐसी एक्टिंग करी है कि लोगों ने उसे पप्पी किंग कहना शुरू कर दिया, यानी कि सीरियल किसर। बात करते हैं इमरान हाशमी की तो इनका पूरा नाम है सैयद इमरान अनवर हाशमी। बात करें इनके जन्म की तो इनका जन्म हुआ 24 मार्च 1989 मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। बात करते हैं इनकी फैमिली की तो इनके पापा का नाम अनवर हाशमी है और मम्मी का नाम है माहिरा हाशमी और प्रोफेशन से इमरान हाशमी एक एक्टर और मॉडल है। बात करते हैं इनकी पढ़ाई की तो इन्होंने अपनी पढ़ाई करी जमनाबाई नर्सी स्कूल से और इन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई सेडनम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से की है और इनकी क्वालिफिकेशन बीकॉम है। बात करते हैं इनके करियर की तो इन्होंने अपने करियर की शुरुआत तो करी तो इनके मम्मी पापा ने कहा जाओ बेटा महेश भट्ट के पास और कुछ काम करो। तो वहाँ पर महेश भट्ट ने इन्हें अपना असिस्टेंट डायरेक्टर बना दिया और ये असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे थे, मतलब कोई काम नहीं करते थे। अगर महेश भट्ट साहब बोलते भी थे कि जाओ टेक लेने का टाइम हो गया है, जाकर एक्टर को बुला लाओ, तो वो ये भी नहीं सुनते थे। तो महेश भट्ट ने कहा इसका अलग ही एटीट्यूड है, क्यों ना इसे हीरो बनाया जाए। लेकिन इमरान हाशमी खुद और उनके घर वाले यही बोलते थे कि ये एक्टिंग नहीं कर सकते। इमरान हाशमी ने भी बहुत कहा कि मैं एक्टिंग नहीं करूँगा नहीं करूँगा, लेकिन महेश भट्ट नहीं माने और इन्हें ले लिया अपनी फिल्म फुटपाथ में।
तब इनकी शुरुआती फिल्म आई फुटपाथ, जिसे बनाया विक्रम भट्ट ने, और इस फिल्म में इनके साथ आफताब, बिपाशा बसु थे। और इस मूवी में आने के बाद लोगों ने इमरान हाशमी को बहुत ज़्यादा पसंद किया। फिर उसके बाद छोटे मोटे रोल करने के बाद ये लीड रोल में आए, और इनकी फर्स्ट लीड मूवी रही मर्डर, और ये मूवी मुकेश भट्ट की मूवी रही, और ये मूवी आते ही ब्लॉकबस्टर साबित रही। और इसके बाद इमरान हाशमी ने बहुत सारी फिल्में बनाई, जैसे जहर, कलयुग, आशिक बनाया आपने, और गैंगस्टर, जिससे पता चला कि ये सीरियल किशर बन चुके हैं। आवारापन, मर्डर 2, जन्नत 2, राज 3। इमरान ने कुछ रोमांटिक कॉमेडी फिल्म भी करी, जैसे कि घनचक्कर, और एक फिल्म आई जिसने इतिहास रच दिया, जैसे कि वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई, जिसमें इनके साथ थे अजय देवगन। इनके पापा खुद भी एक्टर रह चुके हैं। सन 1968 में फिल्म आई थी बहारों की मंजिल, उसमें ये काम कर चुके हैं। और इनकी नानी मेहरबानो मोहम्मद अली, जो कि फिल्मों में पूर्णिमा नाम से मशहूर थी, वो भी एक्ट्रेस रही। और इमरान की नानी ने आगे चलकर प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर भगवान दास वर्मा से शादी कर ली, और यही पूर्णिमा बहन थी शिरीन मोहम्मद अली की, वही शिरीन मोहम्मद अली जो कि महेश भट्ट की और मुकेश भट्ट की मम्मी है। इसी तरह इमरान हाशमी इन लोगों के रिश्तेदार है, और इमरान हाशमी के कज़न भाई बहन हैं मोहित सूरी, पूजा भट्ट, आलिया भट्ट और राहुल भट्ट। बात करें इनकी शादी की, तो इन्होंने सन 2006 में परवीन साहनी से शादी की थी, और इस शादी से इन्हें एक बेटा है जिसका नाम है आयान हाशमी। सन 2010 में इनके बेटे को कैंसर हुआ, लेकिन काफ़ी ट्रीटमेंट के बाद ये बहुत वक्त के बाद सही हो गए। बात करें इनके इनकम की, तो ये एक मूवी करने का लगभग 10 से 12 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं, और इनका टोटल नेटवर्थ है 90 करोड़ रुपए। बात करें इनकी कार कलेक्शन की, तो इनके पास रेंज रोवर वॉग है जिसकी कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए है, और एक ऑडी Q7 जिसकी कीमत 70 लाख रुपए है, और एक BMW। दोस्तों, इमरान हाशमी ने अपना एक अलग ही मुकाम बनाया है, जहाँ तक कोई पहुँच नहीं पाएगा। ना ये किसी से डरते हैं और ना ही दबते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आज की वीडियो में मैंने आपको दिखाया है इमरान सर का घर, जो कि बॉलीवुड के बहुत ही जाने माने बहुत ही मशहूर एक्टर है इमरान हाशमी। तो दोस्तों, इनकी जो बिल्डिंग का नाम है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इनकी बिल्डिंग का नाम है रेशमा अपार्टमेंट, और इनके बिल्डिंग के एड्रेस की अगर मैं बात करूँ तो इनकी बिल्डिंग का एड्रेस है मुंबई बांद्रा वेस्ट के पाली हिल में नरगिस दत्त रोड पर आपको ये बिल्डिंग देखने के लिए मिलेगी दोस्तों। और आपकी जानकारी के लिए एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट और मैं बता देता हूँ, इन्हीं की बिल्डिंग के जस्ट बाजू में आपको ये जो बिल्डिंग देखने के लिए मिलेगी साइड में, तो इन्हीं की बिल्डिंग के जस्ट बाजू बिल्कुल सामने तो आपको देखने के लिए मिलेगी संजय दत्त सर की बिल्डिंग, जो कि इम्पीरियल हाइट्स उनकी बिल्डिंग का नाम है। तो उसका ऑलरेडी मैं व्लॉग बनाकर डाल चुका हूँ, आप देख सकते हो। और इनकी इमरान हाशमी सर की बिल्डिंग से मुश्किल से 10 कदम पहले ही, जहाँ पर वो आपको एक लड़की जाती हुई दिख रही होगी, उसी वहाँ पर उन देखने के लिए मिलेगा आपको दिलीप कुमार सर का घर। जी हाँ दोस्तों, जो कि बॉलीवुड के किंग रह चुके हैं, अभी तो वो फ़िलहाल इस दुनिया में नहीं रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको दिखाया है प्रॉपर इमरान हाशमी सर का घर, उनका एड्रेस और उनकी बायोग्राफी मैंने बताई है, और किस किस मूवी में उन्होंने काम किया है ये सब मैंने आज की वीडियो में आपको बताया है। तो दोस्तों, इसी तरह की मैं बहुत सारी वीडियोस बनाता रहता हूँ डेली टू डेली, तो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियो और नई लोकेशन के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। ओके, टाटा, बाय बाय।